नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम खड़े हैं वसईरा महानगर पालिका प्रभाग समिति ड आचोले कार्यालय के नीचे। आप देख सकते हैं यहां एक मंडप डालने जाने की तैयारी शुरू है। यहां कुछ ही दूर पर एक बिल्डिंग है और वहाँ एक आम रास्ता है, उसको बनाए जाने का कुछ विवाद काफ़ी समय से जारी है। यहाँ अभी इस हम और आपको इसकी अपडेट देंगे, उसके पहले यहाँ हमारे साथ पूर्व महापौर रुपेश यादव है, उनसे बात करते हैं और क्या मामला है समझ के लेते हैं। रुपेश सर, क्या कहेंगे ये जो बिल्डिंग का मसला है, काफ़ी समय से चल रहा है, यहाँ विवाद भी है और महानगर पालिका ने यहाँ पर वर्क ऑर्डर तक निकाल दिया लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा है, लोग संतप्त है, क्या कहना चाहिए? ये देखो, ये जो रोड है ये किसकी जगह नहीं है, ये गाउटन रोड है, इधर किसका सात बारह जगह पे नहीं है। इसका महानगर पालिका ने और सभी ने इसका सर्वे भी किया, एक पाँच साल छः साल से ये चालू है। नगर पालिका थी तभी ये रोड बहुत अच्छा बना है था, मगर अभी जो रोड का यहाँ पे नई फिर भी 200 फ्लैट है और किसको कुछ भी दिक्कतें आएगी तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, ये कंडीशन उसकी है। महानगर पालिका ने रास्ता सेंक्शन किया है, उसकी वर्क ऑर्डर भी दी है, मगर क्यों बनाती नहीं है, क्योंकि उस दिन आमदार साहब का जब संवाद था यहाँ पे नागरिकों का, उसी टाइम पे मंगलवार को चालू करने वाले थे मगर अभी तक तो वो चालू नहीं किया। आज सब लोग उपोषण पे बैठ रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि बाबा ठीक है, मैं अधिकारी को भी फ़ोन किया और वो आज से काम चालू कर रहे हैं। पुलिस का कहना ऐसा है कि हम अभी त्यौहार है नवरात्रि का, वो त्यौहार के बाद मतलब 14 तारीख के बाद में हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, अभी 2-3 पुलिस वो दे रहे, बाद में 14 तारीख के बाद में पुलिस प्रोटेक्शन देंगे और ये रास्ते का काम चालू का ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं लोगों को वही विनती कर रहे हैं कि अभी पुलिस और प्रशासकीय अभी अपने को 2-3 दिन का टाइमिंग दे रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट स्वीकारो और तब तक कुछ उपोषण वगैरह मत करो, वो आज दोपहर तक वो काम चालू कर रहे हैं। क्या हमारी जो महानगर पालिका है उसकी ये इतनी बुरी हालत हो चुकी कि सिटिंग MLA है उनके शब्दों को भी महानगर पालिका नहीं पालती है? नहीं, अभी तो मैं देखता है ना, उन्होंने टाइमिंग दिया है, वो आमदार साहब तो उधर आदेश किया है, फिर हम क्या करने का हम देखते हैं ना। अगर उस हजारों लोगों के सामने, महापौर था, मैं भी था उधर, सब कॉरपोरेटर थे, हमारे आमदार साहब बोलते हैं अगर ये 2 दिन में नहीं अगर काम होएगा, अभी पुलिस जो प्रशासक के बोल रहे कि 2-3 दिन का हमको समय दे दो, फिर नहीं होता है, फिर हम देखते हैं क्या करने का फिर। और हम हमेशा नागरिकों के साथ में है, ये जुनून है, आप चाहे तो देखो उधर क्या कंडीशन है। और हम सब नागरिक जितने भी नगर सेवक है ये काम के लिए हम सब पब्लिक के साथ में रहने वाले। तो आपने सुना पूर्व महापौर रुपेश यादव ने क्या कुछ कहा। रुपेश यादव का ये कहना है कि महानगर पालिका प्रशासक राज में जो सिटिंग आमदार है क्षितिज ठाकुर, उन नालासुपारा के आमदार है, उन्होंने दिए हुए शब्द को भी नहीं पाल रही और एक आम रास्ता बनाने के लिए वर्क ऑर्डर निकाले जाने के बावजूद भी महानगर पालिका किसके दबाव में काम नहीं कर रही है, ये बड़ी बात है। अब जानते हैं यहाँ लोग जो सूत्रधार है और ये मंडप डालकर आज बैठने वाले थे, इनका क्या कुछ कहना है। तो हम सुबह से यहाँ हुए हैं आचोले में, ये रास्ते का विशेष था, हमने पूर्व महापौर रुपेश यादव से बातचीत की थी। अब यहाँ पर सहायक आयुक्त मोहन सिंह के मौजूद है, उनके नेतृत्व में यहाँ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जानते हैं कि मोहन सिंह का इस पर क्या कहना है। सर, ये पूरा जो मामला है, कई दिनों से इस रास्ते को बनाए जाने की मांग हो रही थी और कार्यादेश निकाले जाने के बाद भी वर्क ऑर्डर निकाले जाने के काम नहीं हो रहा था, लोग उपोषण पर बैठने वाले थे, तो अभी आप आए, आपने आश्वासन दिया और काम शुरू हो गया। काम आश्वासन तो नहीं इसे दिया, लेकिन 27 मार्च महीने में मार्च 2024 को तो आदेश दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन कुछ ये बारिश की वजह से और थोड़ा सा जगह के प्रॉब्लम के वजह से वो काम हो नहीं पाया, लेकिन लोग जो आज बैठे थे उनको तकलीफ होता है आने जाने की, और रास्ता बहुत ख़राब है, काम होना भी चाहिए, लेकिन आज काम स्टार्ट किया हमने। हम जब बात कर रहे थे सार्वजनिक जगह है, जानबूझ के लगाए, वो अभी टोइंग मंगाए मैंने, गाड़ी उठा लेता हूँ और पुलिस में जमा कर लूँगा। सर, एक और सवाल ये है कि यहाँ पर इस तरह से सामने अग्निसेना का ऐसा बैनर वगैरह लगा है, तो क्या राजनीतिक दबाव किसी पार्टी का? नहीं, किस पार्टी का दबाव नहीं, कोई सामने भी नहीं आया कोई दबाव। तो यहाँ कार्यवाही के लिए खड़े हुए सारे मोहन संघ की, उनका ये साफ कहना है कि
राजनीतिक तौर पर किसी का दबाव नहीं है। अग्निसेना का यहाँ बोर्ड लगा है तो हमने वो सवाल किया था कि अग्निसेना या किसी का सार्वजनिक तौर पर दबाव, तो मैंने भी कोई सामने भी आया किसी ने अखड़ा डाला नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल काफ़ी है। इतने सालों से अटका हुआ मामला था और अब जाकर कार्रवाई शुरू हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो आज क्वेश्चन करने के लिए बैठे थे, उन्होंने क्वेश्चन ये कार्यवाही पीछे हो उसको लेकर पीछे लेने का निर्णय किया है और फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ है, कार्यवाही शुरू है। पहली बात गाड़ी जो है बीच रस्ते में दिखाई दे रही है, इसके लिए भी ये कहा गया है कि गाड़ी को उठाने के लिए ट्रेन जो है आने वाली है और कहीं जाएगी, रस्ते को पूरी तरह से खाली किया जाएगा। ये रास्ता है इस तालाब की जगह का गांवठन रास्ता है और उसको खाली किया जाएगा। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या फिर इस तरह से इस पर विवाद तो नहीं आता है और ये रास्ता क्या आज जब बनने की शुरुआत होने वाली है तो बनकर तैयार होता है या फिर चटने आती है आने वाले समय में मालूम। अभी काम को शुरुआत हो गई, इतने दिन से जो रोड रुका था उसका काम भी चालू है। 4 साल से हम लोग परेशान थे और काम नहीं हो रहा था, आज ये काम शुरू हो गया हमारा। तो कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद है आप लोग का, जो आप लोग ने काम करवा दिया। नगर पालिका वालों का भी बहुत बड़ा शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद है, थैंक यू, जो हम लोग का सब काम हो रहा रोड का। तकलीफ ही नहीं था, पूरा आम जनता का तकलीफ ही था ये रोड के लिए, पूरा बच्चा बच्चा ये पानी में, इतना पानी में कीचड़ परेशान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। मैडम आपका नाम? स्नेहा गुरव। स्नेहा मैडम, क्या विषय है आप लोग यहाँ मंडप लगा के बैठने वाले हो? हमने अभी महापौर रूपेश यादव साहब से बात की, उन्होंने बताया, लेकिन थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या विषय है? सर, ये जो महानगर पालिका प्रभाग समिति डी से लेके अचले तालाब गेट नंबर 2 तक का रास्ता 20 साल से रिपेयर नहीं हुआ और ना ही वो गटर लाइन बनी है, तो लास्ट 5 साल से हम लोग ये प्रोसेस के लिए महानगर पालिका के सामने बार बार याचना कर रहे हैं, उपोषण कर रहे हैं। वो सिर्फ हमें कमिटमेंट देते हैं कि हम लोग रास्ता बनाएंगे, उपोषण पीछे ले लो करके। आज वर्क ऑर्डर निकला है, TLR सर्वे हो चुका है, जिस व्यक्ति ने ये रास्ता बंद करके रखा है उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ली जा रही है, उसने हर एक चीज गलत तरीके से ली है। जैसे कि उसका घर जो बंगला बना हुआ है वो भी उसका बंगला अनाधिकृत है, उसे महानगर पालिका से घरपट्टी भी नहीं मिली अभी तक है, ना उसको पानी का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन उसने महानगर पालिका का चोरी से लिया है और घर अनाधिकृत है। MRTP के अनुसार गुना दाखिल करने के लिए बोला तो भी महानगर पालिका वो चीज नहीं कर रहे हैं और हमें बार बार आश्वासन दिया जाता है। आज हम लोग फाइनली उपोषण के लिए बैठ रहे हैं, अगर महापालिका हमें ये लिखित में देती है कि हमें रोड ये डेट तक हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ही हम लोग ये हमारा आमरण उपोषण पीछे ले लेंगे। और हर बार ये एक बंदे के अगेंस्ट में इतने लोग 1200 लोग हैं खड़े, ये एक सोसाइटी नहीं, इधर से लेके उधर तक काउंट करोगे तो 5 सोसाइटीज है। इमरजेंसी पेशेंट को भी हम लोग लेके नहीं जा सकते हैं, या कि हम लोग पुलिस वालों को बोलने जाते हैं तो पुलिस वाले लोग हमें दिशा भूल होती है कि उनको स्टेटस को मिला है, हालांकि उसकी जगह के लिए गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेटस को नहीं दिया है। तो एक बंदे के पीछे इतने लोगों की जो फरफट हो रही है उसका रीजन क्या है और ये महानगर पालिका क्यों डर रही है? नहीं, आपने अभी बोला स्टेटस को, अगर न्यायालयीन प्रक्रिया हुई है ऐसी, मुझे जानकारी नहीं, आपने भी बताया, तो उसमें महानगर पालिका के जो वकील लोग है वो क्या कर रहे हैं? वो कोर्ट से स्टे को हटाने के लिए, इतने लोग प्रभावित होंगे उसको लेकर कोर्ट में क्यों स्टे मिला ही नहीं है? जिस टाइम पे हम लोग एक पेशेंट को लेके जा रहे हैं उस टाइम पे वो बंदे ने अपने रोड के हमारे रोड के सामने गाड़ी लगा के रखी है। अभी गाड़ी का तो हम लोग नुकसान नहीं कर सकते, हम लोग 112 को कॉल कर रहे हैं, उस टाइम पे जब पुलिस आती है तो पुलिस हमारी दिशा भूल करते है कि स्टेटस को आया है, इसके लिए हम लोग गाड़ी नहीं हटा सकते, और हालांकि कोई स्टेटस को लगा ही नहीं है, पेपर भी नहीं दिखा रहे हैं, और ऊपर से हमें धमकी मिलती है कि आप लोगों के ऊपर हम लोगों ने गुना दाखिल हुआ है, तो गुना दाखिल हुआ है आज 12 दिन हो गए, गुना दाखिल हुआ है तो हमें हम लोगों को लीगली नोटिस क्यों नहीं आ रहा है उस चीज का? आपके ऊपर किस चीज का गुना दाखिल हुआ? यही जो जिस बंदे ने ये रोड बंद करके रखा है उसके बीबी ने, बच्चे ने, और वो बंदा अंदर से प्रोत्साहन दे रहा था प्रीतम मात्रे कि वो एक लेडी अपने पेशेंट को लेके जा रही थी अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास से, तो उस टाइम पे उस लेडी के ऊपर हमला किया गया, प्रीतम हात्रे और उसकी बीबी और उसकी लड़की ने हमला किया, बाम्बू से मारा गया। उसके लिए हम लोग जब बचाव में गए और पुलिस स्टेशन में जाके हम लोगों को बुलाया और बोला कि आप साक्षी दे दो कि आप लोगों ने क्या देखा, 7-8 लोग जाके हम लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है, तो हमारे ऊपर ही गुना दाखिल किया गया है। पहली FIR किसकी हुई जिनके साथ? श्वेता सावरडेकर जो एक लेडी है हमारे एक मुरारी कृपा की, उनके ऊपर उन्होंने FIR पहली जाके की थी। उन्होंने FIR करने के बाद में आप लोग उसमें साक्षीदार थे तो फिर आपके ऊपर FIR होती है? साक्षीदार के ऊपर से ही क्रॉस FIR हो रही है। कौन सा पुलिस स्टेशन? अचले पुलिस स्टेशन से। अभी आपकी क्या मांग है? अभी हमारी यही मांग है कि ये रोड जब तक नहीं बनेगा या फिर ये लोग लिखित में नहीं देते तब तक हम लोग ये उपोषण पीछे नहीं लेंगे।
अभी आपको पूर्व महापौर रूपेश यादव ने जबान दी है और उनका कहना था वो आग्रह करने आए थे, तो उस पर आपकी क्या रणनीति है? उनके कहने से हम लोग ये कुपोषण पीछे लेने के लिए तैयार है, बट सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि महानगर पालिका हमें लिखित में दे दे। तो ये हम बात कर रहे हैं, ये विवाद आज को नहीं, काफी जूना विवाद है और ये विवाद पूरी तरह से किसी को समझ भी नहीं आ पा रहा है कि क्या उसमें परेशानियां है। जैसा अभी इन्होंने बताया कि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर स्टे है, अगर स्टे है तो स्टे की कॉपी होनी चाहिए और साथ ही साथ स्टे को अगर पब्लिक जनता का आम रास्ता है उसको क्लियर करवाना है तो महानगर पालिका के जो वकील है लाखों रुपए की महानगर पालिका से फीस पब्लिक के पैसे की लेती, वो कर क्या रहे? अगर स्टे है भी, अगर वो जमीन वाकई में जिनकी बात कही जा रही उनकी है, तो पर्याय रास्ता पर्याय क्यों नहीं निकाला जा रहा है? इन लोगों को खाली दिशा भूल की जा रही, एक सवाल बड़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा कहा जाएगा कि इस प्रशासकीय राज में वसई विरार अंतर्गत पूरा राज ही खोखला हो चुका है और महानगर पालिका जो है उसकी महानगर पालिका की कार्यशैली पूरी तरह से यहाँ पब्लिक के भले के लिए न होकर पब्लिक के नुकसान जैसी दिखाई दे रही है, किसी विशिष्ट पक्ष को फायदा दिखाने की दिखाई दे रही है। इस मामले पर हम और भी निगाह बने रखेंगे। आज फिलहाल इन्होंने आमरण उपोषण करने का ये निर्णय लिया था तो हम आए थे, हमने आपको यहाँ इनकी बात सुनाई है। इन्होंने आरोप लगाया, आरोप इनके हैं, हम डायरेक्टली किसी और आरोप नहीं लगा रहे और अगर सामने वाली पार्टी भी अपनी बात रखना चाहे तो हम उनकी बात भी दिखाएंगे, हमें उससे गुरेज नहीं है क्योंकि हमारा पत्रकारिता धर्म यही कहता है कि दोनों पक्षों की सुनी जाए। लेकिन यहाँ अभी बात चल रही है कि जब उनके ऊपर FIR हुई और इस तरह से रास्ता अटकाया गया तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें गलत है और इसका एक मार्ग प्रशासन को ही निकालना चाहिए ताकि ये जो जनता है उनका कुछ तो निकल सके। एक और सर वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं इस रास्ते के विषय में। मेरा नाम अजय मिश्रा है, मैं यहाँ लेकव्यू सोसाइटी में रहता हूँ। इस रास्ते के विषय में हम 3 साल से पीछे लगे हुए हैं। इस रोड का हमने TLR करवाया है। जो व्यक्ति दावा करता है कि ये मेरी जमीन में आता है, उस व्यक्ति की वहां पर जमीन भी नहीं है ना, उस जमीन का 7/12 है। हाँ, सारी रिपोर्ट हमारे पास अभी भी मौजूद है, दिखाइएगा वीडियो। और उसी TLR के वजह से नगर पालिका ने करवाया था, पैसे हम सोसाइटी ने भरे थे, उसी TLR की वजह से ये रोड का टेंडर निकला हुआ है। टेंडर पास होने के बावजूद वो अड़चन डाल रहा है, पुलिस कार्रवाई करने के लिए अपील कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, नगर पालिका कुछ कर नहीं रही है। भी जैसा कहा कि TLR हुआ है और वो TLR मोजनी TLR की कॉपी दिखा, ये टेंडर की कॉपी है। हाँ, ये टेंडर की कॉपी है वो मेरे। आप जो बोल रहे TLR हुआ है तो TLR के लिए अर्ज किसने भरा? अर्जी इनके नाम से की थी। हाँ, पेमेंट हमने करी है, मतलब कि शासकीय TLR में भी पैसा आप लोगों से उगाया गया, से लिया गया है। ये भी एक बड़ा मतलब भ्रष्टाचार है। हाँ जी, नो डाउट, शासकीय TLR है तो शासकीय खजाने से पैसा जाना चाहिए था जी, लेकिन वो पैसा आपकी सोसाइटी से वसूल किया गया जी। ये TLR में क्या इसमें पूरा, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये पकड़ो, ये हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, इस जगह खड़े हैं। ओके, ये रोड गया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये गांवठन है। हाँ, ये गांव है, पूरा गांवठन लग रहा है। ये बिल्डिंग पहली लेकव्यू अपार्टमेंट। हाँ, ये यहाँ का तालाब, ये पोर्शन, ये पोर्शन, आइए ना थोड़ा आगे चलते, मैं आपको पूरी सिचुएशन दिखा देता हूँ। ये महानगर पालिका की बिल्डिंग है, ये महानगर पालिका की बिल्डिंग, यहाँ पे हम यहाँ खड़े हैं इस वक्त। ये पहली बिल्डिंग, ये रही लेकव्यू अपार्टमेंट। ओके, ये फिर दूसरी बिल्डिंग है, इसके बाद सोना अपार्टमेंट, उसके बाद इनकी बिल्डिंग है, फिर यहाँ पर एक मैडम है, उन्होंने अड़चन डाल रखी है, लालन नाम है उनका, लालन भाईंदरकर। वो कहती है मेरी जगह, जबकि TLR में सब सबूत दिखाई दे रहा है सामने, TLR में ये रोड दिख रहा है पूरा, देखिए आप आगे आइए, आप पूरा रोड देखिए, आपको वहाँ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। वो करता है कि ये रोड मेरा है और मैंने इस पे स्टेटस को लिया है, जब उनके पास 7/12 ही नहीं है तो स्टेटस को किस बात का लेंगे आप? लेकिन एक बार आपने जब कहा कि शासकीय सर्वे, इसमें अर्जदा में नाम आपका डाला हुआ है, ये मैंने कॉपी निकाली है, ओरिजिनल कॉपी उनके पास ही है ना, VVCMC में ही है। इसका कप्रत कहाँ? VVCMC में ही है, कप्रत में भी यही सेम मैंने दिया। हाँ, जो सर, एक मिनट टाइम देखिए ना सर, वो ठीक है, ये देखिए कप्रत है ना, वो कॉपी रहती है, तात्पुरती है, कप्रत जो होता है सी, सर एक कप्रत मैं बताता हूँ आपको, ये चीज है ना, मैंने जाकर के इनका सर्वे होने के बाद
अप्लीकेशन करके मेरे नाम पर अर्जी करके निकलवाया है, वो कॉपी है। वो मैं समझा, ने ये जो कॉपी निकाला ना वो ब प्रत का आपने जीरोक्स निकाला है। हाँ, ब प्रत के बाद में एक क प्रत होता है, सी प्रत है, यानी फाइनल डॉक्यूमेंट है वो वीवीसीएमसी के पास, और ये फाइनल की कॉपी निकाल करके ही उन्होंने वहां से दिए मुझे। ठीक है, तो देखा इन्होंने ये नक्शा टीएलआर दिखाया, टीएलआर में इन्होंने जो बताया वो भी शॉकिंग है कि महानगर पालिका टीएलआर करवाती है और पैसा इनसे वसूला जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं काफी कुछ विषय है, अब ये काफी पेचीदा विषय है, उस पेचीदा विषय को समझने में समझाने में भी काफी अड़चने आने वाली, क्योंकि यहाँ सब हर किसी की दिशा भूल की जा रही है। तो इस पूरे विषय पर हम नजरें बनाए रहेंगे, आपसे मुलाकात करते रहेंगे। यहाँ अभी महानगरपालिका इंजीनियर, यहाँ महानगरपालिका के उपअभियंता सिंघाने साहब है, और सिंघाने साहब से हम सर इस पूरा जो विवाद है ये नहीं बोल सकता सर, नहीं ये यहाँ आप पब्लिक के लिए पूरा जो विवाद है इसमें क्या वस्तुस्थिति है? महानगरपालिका ने टेंडर, अभी हम काम चालू करने वाले हैं, आज पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा तो नहीं, एक्चुअली वो जगह किसकी है? अरे रिपोर्ट क्या बोलता है, जगह किसकी है? क्या जगह महानगर पालिका की है ना, गांवठन महानगर पालिका की, गांवठन में है। तो फिर जो लोग ये नहीं करने दे रहे, अड़चन डाल रहे, उनके ऊपर अड़चन डालने का गुनाह क्यों नहीं दर्ज होता है? अभी हमारा काम क्या है, काम पहले करने का शुरू, अभी हम करेंगे शुरू काम। तो इस उपअभियंता इंजीनियर साहब का ऐसा कहना है कि काम शुरू होगा, और अगर काम शुरू होता तो इन लोग को यही मांगनी है, अच्छी बात है, एक अगर रोड बनता है तो। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी इनका काम चालू होगा, ये आश्वासन हमें 4 साल से दिया जा रहा है, आज अगर ये हमें लिखित में देते हैं कि काम कब से चालू करेंगे और कब तक खत्म करेंगे तो ही हम लोग ये उपोषण पीछे ले लेंगे। इवन पुलिस वालों ने कहा है कि 14 तारीख से आप प्रोटेक्शन मांगिए, 8 दिन का प्रोटेक्शन देने को वो तैयार है, सामने बैठे, अभी आप अर्जी करवा देंगे हो जाएगा सर। और आज से काम चालू करने बोला है, आज आप नवरात्रि, उन्होंने बोला नवरात्रि 2 तारीख से काम प्रोटेक्शन मिलेगा, दो जन दे रहे, दो पुलिस वालों को दे रहे आज से काम चालू करने के लिए, अभी काम चालू करो तो जैसे काम चालू होगा और हमें लिखित में मिलेगा तो भी हम इधर से उठेंगे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।